बन रही हमारे जिम के बाद की डाइट, जिम के बाद वाली। भैया बना रहे हैं, ये 5 अंडे का ऑमलेट है, ये 5 ब्राउन ब्रेड। घी कम करें, ज़्यादा घी हो गया ज़्यादा, तो अभी कर रहे हैं कम इसको। उसके बाद में बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अभी अभी वर्कआउट करके टाइम हो गया आए हुए। नॉर्मल जीरा, जीरा डाल लो थोड़ा सा, थोड़ा बन रहा ऑमलेट। उसके बाद में अभी बना लिया बनाना शेक भी, जो फ्रिज में लगा हुआ है बनाना शेक, और साथ में ऑमलेट और ब्राउन ब्रेड। ये है हमारी मील छोटी सी। ओहो, सिट सिट, यही तो फोड़ने में दिक्कत होती है अंडे। अगर थोड़ी सी अगर ताकत लगा तो बॉडी बनानी है, तो बॉडी डाइट लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन पे रहना पड़ेगा, और अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। सिखाते हैं जूस। ये लगे हैं 2 गिलास जूस के, जो कि फ्रिज में लगे हैं ठंडे होने के लिए। तो ठीक, बस वीडियो में इतना ही। शाम को चलेंगे दशहरा का मेला देखने के लिए, तो मिलते हैं सीधा दशहरे के मेले में। तो अभी सो के उठे हैं, पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी भैया। उसके बाद चलेंगे फिर दशहरे के मेला में। निकलना है थोड़ी देर में मेले के लिए, और मेला जाने से पहले हम बॉयल कर रहे हैं एग, जो कि 10 एग हैं, और हम मिक्स वेज रखी, तो मिक्स वेज के साथ मेरी डाइट लेके उसके बाद में सीधा चलेंगे मेला देखने के लिए, मतलब दशहरा का मेला। और सभी भाइयों और बहनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो देखिए, तो ये हमारी सेकेंड मील अभी, जो कि ब्राउन ब्रेड, 5 5 अंडे और घर की नॉर्मल सब्जी। तो अभी हम ये ले रहे हैं, उसके बाद में चलेंगे दशहरा का मेला देखने। ये डाइट इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मेला से पहले, मेला में तो पता है कि कितनी ख़राब चीज़ें लगती हैं, तो हम लोग खाते नहीं हैं। इस वजह से यहाँ से खा लेंगे तो वहाँ भूख लगेगी नहीं, तो खाना नहीं पड़ेगा, तो डाइट भी नहीं बिगड़ेगी। इस वजह से जो भी है ना, बॉडी बनाने में पता कितना डिसिप्लिन चाहिए होता, तो इस वजह से यही सब हम लोग खाते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे, ना चाउमीन ना बतासा, थोड़ा बहुत ले लेंगे कुछ भी खट्टी मीठी चीज़ें, वहाँ की कुछ नहीं, जैसे कि इमली इमली खा लेंगे बस, थोड़ी बहुत चूरन उरन खा लेंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी यही खा के जाएंगे तो ठीक भी रहेगा, और डाइट भी नहीं बिगड़ेगी, डाइट भी अपनी अच्छी बनी रहेगी, और काम भी हो जाएगा। तो अभी खा के अब चलते हैं सीधा वहीं पे रतनपुर, दिखाते हैं। जय श्री राम।